थैंक यू सर। मैं भी वीकर सेक्शन का हूँ। वीकर सेक्शन का मतलब जिन लोगों का कम समय है उनमें से मैं भी हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे मुझे रस्सी देने का अधिकार आप ही से बोलो दिया था सुबह में, वही मैं काम कर रहा था। पावर है रूल में, आपका पावर है जी। नहीं बता, पहली बात मैं कोई चुनावी भाषण नहीं दूंगा, ना ही मैं बिल के विरोध में कुछ बोलना चाहूंगा। मैं थोड़ा बहुत क्लैरिफिकेशन मांगना चाहता हूँ आदरणीय कानून मंत्री जी से। पहला बात है कि नो हेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इकोनॉमिक वीकर सेक्शन हैज बीन डिफाइंड, नो हेयर। आर्टिकल 46 कानून मंत्री जी ने उल्लेख किया, वहां पे वीकर सेक्शन जरूर बताया गया, लेकिन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कहीं भी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। यहां पे जो एक्सप्लेनेशन दिया गया उसमें इसको इंपोर्ट किया गया, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस आर्टिकल एंड आर्टिकल 16 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोट अन कोट शैल बी सच एज मे बी नोटिफाइड बाय द स्टेट फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली इनकम एटसेट्रा एटसेट्रा। तो द न्यू डेफिनेशन हैज बीन इंपोर्टेड एंड द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन रीडिफाइंड बाय दिस गवर्नमेंट थ्रू दिस बिल। इसका क्लैरिफिकेशन मुझे चाहिए। नंबर टू है कि कैबिनेट ने शायद, मुझे मालूम नहीं, आई एम नॉट ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट, लेकिन न्यूज़पेपर रिपोर्ट निकला कि 3 दिन पहले कैबिनेट अप्रूव अमेंडमेंट्स टू अलाउ 10% रिजर्वमेंट, किसके लिए? हु वुड फॉल इन द कैटेगरी ऑफ द इकोनॉमिकली वीक सेक्शन, वीकर सेक्शन, इफ द टोटल इनकम पर ईयर इज ₹8 लाख और लेस। तो आज 8 लाख है, 8 लाख तक है। अगर कल सरकार को ये रवैया होता है कि इसको बढ़ाना चाहिए तो 8 लाख को 20 लाख भी कर सकते हैं, ये प्रावधान रखा गया इस एक्सप्लेनेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो 8 लाख 20 लाख 30 लाख भी हो सकता है। तो हमारा हालत क्या है हिंदुस्तान का, यानी हिंदुस्तान का हालत क्या है? यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2018 फरवरी में जो रिपोर्ट पब्लिश किया डेवलपमेंट इंडेक्स, उनमें से पता चलता है कि 6 out of 10 इंडियंस लिव ऑन लेस देन $3.20, यानी कि हिंदुस्तान के 60% हिंदुस्तानियों को महीना में 6,700 रुपया भी उनका कमाई नहीं होती है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है, जो कि 2018 की अक्टूबर महीना में निकला कि 20 crores ऑफ इंडियंस डू नॉट अर्न इवन 4,000 रुपीज पर मंथ। मेरा रिपोर्ट नहीं। तो इन लोगों के लिए रिजर्वेशन जरूरी है कि 8 लाख वालों के लिए ज्यादा जरूरी है? ये मेरा सवाल है कानून मंत्री जी से, मैं क्लैरिफिकेशन मांगता हूं। तीसरी बात है, और ये आखिरी बात होगा मेरा, यहाँ पे इंद्र सहनी केस के बारे में बहुत सारे चर्चा हुआ, कपिल सिब्बल जी के बाद मुझे बोलने का मौका मिला, बहुत सारे पॉइंट उन्होंने कवर कर लिया, इसलिए मैं उसमें ज्यादा जाना नहीं चाहता हूं। सिर्फ एक स्टेटमेंट प्रेस में निकला है, किसका? फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कौन सा चीफ जस्टिस, क्या नाम, अगर आप इजाजत देते हैं तो मैं नाम बोल देता हूं क्योंकि एक पब्लिक डोमेन में है, जस्टिस AM अहमद, हु वॉज द पार्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ दैट जजमेंट इन 92। He was the Chief Justice. He led the 9 judges bench. What he has said, Indian Express has reported. What is the name? Indian AM Ahmed. He says that economic criteria cannot be the sole basis for determining the backward class of citizens contemplated by Article 16 of the Constitution. That is what we had decided in the majority judgment in 1992. This is in black and white, in my view, not my view, Sukhendu Sekhar's view, Justice Ahmed's view. In my view, the government decision conflicts with the majority view of the constitution bench of the Supreme Court, unquote. Justice Ahmed. Then
he again says, quote, I think this 10% reservation for general category requires a more deeper study. सुबह से सारे मेंबर जो बोल रहे थे कि हमारा ये तो स्क्रूटिनी नहीं हुआ, ना तो स्टैंडिंग कमिटी ना ज्वाइंट कमिटी, कोई कहीं नहीं हुआ. अगर होता तो सिर्फ एमपी लोग नहीं, पब्लिक एट लार्ज नोटिफिकेशन इश्यूड होता, उनका ओपिनियन इनवाइट किया जाता, तो कुछ नहीं हुआ. कॉन्स्टिट्यूशन बिल पास कर रहे हैं हिंदुस्तान के संसद में, सब देख रहे हैं, सारा हिंदुस्तान देख रहे हैं कैसे पास हुआ जाए. तो उन्होंने भी सजेस्ट किया था कि this requires a more deeper study. And then again he says, regarding that cap, 50% cap, quote, the Supreme Court had put a cap so that reservations are not introduced and the limit increased only for election purposes. Yes. Not my statement, Justice Ahmedi. With this decision, now what remains is just 40% unreserved seats, unquote. And finally he says, unquote, chances of employment for others will shrink, and within the 40%, there is a big population of the country looking for employment. Make in India has not happened. If it had happened, there would have been jobs. So it seems to me that it is an election gimmick, unquote. मैं नहीं बोला, मैं बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है, मैं नहीं बोलना चाहता. So we have to wait and watch how the courts will interpret this constitutional bill if it is challenged before the Supreme Court. Let the honorable law minister make kindly clarify. Thank you, sir. Thank you, Sukhendu Sekhar ji.